के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा? पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा अपने पास? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो वो मुझे पता है कि जो ई वेक्टर होता है वो क्या होता है अपने पास? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू चार्ज है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्शन के लिए आर कैप। सभी को पता है कि ये वाली वैल्यू आती है। फिर मैंने क्या किया? फिर अपन ने कर दिया कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो क्या है अपने पास? ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के की जगह 1/4π0, साथ में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कैप। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो भी अपने जो पृष्ठ लिया वो पृष्ठ क्या है आपके पास? क्या है आपके पास? पी जो पृष्ठ था उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? डी एस होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो पृष्ठ था उस पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान कितना होगा? तो पृष्ठ पी से निर्गत जो फ्लक्स होगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस में बोल सकता हूं, या बोल सकता हूं कि पृष्ठ पी से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो वो सभी को पता है कि निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है। यदि आपके पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मुझे यदि कहीं फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो वो सभी को पता है कैसे निकाला जाता है। तो वो निकालते हैं अपन कैसे? फाई इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? निर्गत फ्लक्स की मान की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ई वेक्टर डॉट का क्या हो जाएगा? डी एस वैक्टर। क्या हो जाएगा अपने पास? फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट का क्या हो जाएगा मेरे पास? डी एस वैक्टर। ठीक है, यदि क्लोज सर्फेस है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज सर्फेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे पता है ई की वैल्यू, समीकरण एक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर एक, तो ई का मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ई का मान रखूंगा तो क्या आएगा? तो ई का मान रखने पर यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ ई, तो ये क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल तो अपने पास ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पे जो e की वैल्यू है वो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो e की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/4π0Q/r2। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? r कैप, और साथ में क्या है अपने पास? ds एस वैक्टर है, तो ये हो जाएगा। अब एक इसमें आपके लिए एक कंसेप्ट आएगा जो आप पहले से जानते हो, क्या कि जो r कैप है और ds है ये क्या रिजल्ट देता है? तो मुझे पता है कि जब मैं r कैप का ds के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो ये क्या आता है? r कैप ds कॉस थीटा आता है, और मुझे पता है कि कोई भी डायरेक्शन का यदि मापांक होता है वो क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ से आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? आर कैप डॉट डी एस, या जाएगा आपके पास क्या? डी एस कॉस थीटा। क्या आ जाएगा आपके पास? डी एस कॉस थीटा। तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मुझे पता है कि ये आर कैप डॉट डी एस वेक्टर क्या आता है। तो यहाँ से ही वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा अपने पास क्या? फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? ये 1/4π0, तो 1/4π0 क्यू बाय आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? जो ये वाली टर्म थी आर कैप डी एस, तो वो मैंने वैल्यू निकाली, क्या आ रही है? डी एस कॉस थीटा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? फाइ इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल 1/4π0, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ से नीचे से हटा दूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तो मैं कर दूँ क्यू क्यू अपॉन में 4π0, और इसको मैं कर दूँ डी एस कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख दूँ? आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया, तो वहाँ पे मुझे पता है कि जो डायग्राम में माना है कोई बंद सरफेस था, वहाँ से उसका सदिश घटक है वो ई वेक्टर है, और जो सरफेस एरिया है वो क्या? डी एस है, तो ई डॉट डी एस यानी उसके बीच में बनने वाला एंगल क्या? कॉस थीटा। तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये कॉस थीटा है वो यही शो कर रहा है थीटा का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे ये जो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, क्या है अपने पास? डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, वो एक नई टर्म को डिफाइन करता है। क्या करता है अपने पास? वो एक नई टर्म को डिफाइन करता है, और वो नई टर्म क्या होती है? तो वो नई टर्म होती है एक तरीके से सॉलिड एंगल। तो मुझे पता है कि सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, क्या कहती है? यदि मैं सॉलिड एंगल की डेफिनेशन के बेस पे बात करूं घन कोण की परिभाषा से, और सबसे पहले तो ये घन कोण की परिभाषा होती क्या है, घन कोण से क्या बताते हैं? तो अभी अपन ने देखा कि घन कोण क्या होता है, तो घन कोण को एक बार मैं वापस आपके सामने ला लेता हूँ कि ये क्या होता है घन कोण। तो घन कोण यदि मुझे कुछ भी करना है तो घन कोण के लिए मुझे पास क्या जरूरी है,
मान लो कि मैंने कोई ऐसा सरफेस ले लिया, ये मैंने कोई सरफेस ले लिया ठीक है, और ये वाला सरफेस ले लिया क्या, इस टाइप का, ये वाला मैंने क्या ले लिया, कोई सरफेस ले लिया ठीक है, ये वाला। अब इस सरफेस को मैंने थोड़ा सा रोटेट करवा दिया, ये वाला। अब यहाँ से मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है आपके पास, पी है, तो ये मैंने क्या ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया, तो ये वाला क्या ले लिया, कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट से दोनों सरफेस के लाइन मिला लो, यानी दोनों सरफेस पर क्या लगाऊँ, टेंजेंट, तो ये मैंने दोनों सरफेस पर क्या लगा लिया, टेंजेंट, यहाँ से भी मैंने क्या लगा लिया, टेंजेंट। तो इसके जो बीच बनने वाला एंगल है, जो भी अपने पास फर्स्ट सरफेस एरिया था, उस एरिया को यदि मैं एक पॉइंट से मिला लूँ, तो इसके जो बीच में बनने वाला एंगल है वही क्या होता है, डी ओमेगा, जिसको मैं बोलता हूँ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए यदि भी किसी गोले के लिए बात करते हैं, किसी वृत्ताकार पथ के लिए बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल का मान होता है 4π। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू होगा डी एस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या बताता है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन बताता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी डी फाई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, फाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अपने पास फाई, यहाँ पे हो जाएगा क्यू अपॉन में 4π ε0, मैंने क्या ले लिया, पूरा बाहर ले लिया, यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल था वो था ही डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, तो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास क्या, डी ओमेगा, क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। अब मुझे पता है कि किसी भी वृत्ताकार पृष्ठ के लिए या गोलाकार पृष्ठ के लिए जो सॉलिड एंगल का मान होता है वो कितना होता है, 4π होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी वृत्ताकार या गोलाकार पृष्ठ के लिए जो सॉलिड एंगल का मान होगा वो क्या होगा, घन कोण, किसके लिए, गोलाकार या गोलाकार पृष्ठ के लिए, वो होता है अपने पास कितना, इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना देगा, 4π देगा। यानी ये क्या करेगा, पूरे पृष्ठ के लिए बात करेगा, क्या करेगा अपने पास, पूरे पृष्ठ के लिए बात करेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू फाई, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4π ε0, और यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 4π, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4π। तो 4π से 4π कैंसिल आउट, तो टर्म क्या बचेगी आपके पास, टर्म बचेगी अपने पास फाई इज इक्वल टू, टर्म बचेगी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ε0। तो और गाउस का नियम आपको पता है, यही होता है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पे क्या करना था अपन को, यहाँ पे करना ये था ये क्यू, ठीक है, यहाँ पर ये करना था कि मुझे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ से गाउस नियम को व्युत्पन्न करना था। यूनिवर्स स्क्वायर लॉ यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया KQ/r². तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या था, KQ/r² r दूरी पर, यानी वो क्या करता है, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई करता है। क्यों, क्योंकि उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है, E = KQ/r², यानी जो r पर है वो डिपेंडेंसी है। तो वो क्या बताएगा, एक तरीके से व्युत्क्रम वर्ग नियम है, यदि वो व्युत्क्रम वर्ग नियम है तो मैं वहाँ से गाउस लॉ ला सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ से क्या ला लिया, गाउस लॉ ला लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि यही क्या है अपने पास, गाउस का नियम है, जो क्या बताता है, किसी भी बंद प्रेस से निर्गत फ्लक्स के मान को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यही अपने पास क्या होता है, एक तरीके से गाउस नियम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यही क्या है अपने पास, यही समीकरण क्या है, गाउस का नियम है, यह समीकरण गाउस के नियम को व्यक्त करता है, गाउस के नियम को व्यक्त करता है, ठीक है। यही समीकरण क्या है, गाउस के नियम को व्यक्त करता है। और इसी समीकरण के बेस पे मैं कह सकता हूँ कि यदि ये गाउस के नियम को व्यक्त करता है, तो मुझे पता है कि गाउस का नियम क्या बताता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान बताता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स के मान को व्यक्त करता है, या फ्लक्स को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यूनिवर्स स्क्वायर लॉ हो जाएगा किसमें, गाउस लॉ के बेस पे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कि किसी बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स को व्यक्त करता है, वो क्या हो जाएगा, गाउस लॉ। अब मैं कह सकता हूँ कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज़ें अपन ने पढ़ी है। फर्स्ट तो अपन ने पढ़ी क्या, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक तो अपन ने पढ़ी है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, एक अपन ने पढ़ा है कि गाउस के नियम को व्युत्क्रम वर्ग नियम के बेस पे कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो वो अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ करके देखा है, ठीक है।
अब मैं लिख सकता हूँ, स्पष्ट है कि इसमें कुछ, यदि आप एग्जाम में अच्छे से, यदि आप अच्छे से लिखना हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैसे, क्योंकि मेरा तरीका आपने देखा होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ भी आपने देखा होगा, मैं जो भी नोट्स लिखवाता हूँ उसमें रिजल्ट के जो भी आपका रिजल्ट निकलता है तो वहाँ से एक लाइन सभी को लिखवाता हूँ, अतः स्पष्ट है कि। अब अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट के आगे क्या आएगा, तो देखो इस स्पष्ट के आगे आएगा क्या, तो वो ये आएगा अतः स्पष्ट है कि, क्या आएगा आपके पास, अतः स्पष्ट है कि। अब स्पष्ट क्या है, तो जो रिजल्ट आया है वही तो स्पष्ट होगा, तो वो रिजल्ट क्या कहता है, अतः स्पष्ट है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, यही की बात की थी अपन ने, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, यही तो होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होता है, क्या होगा, निर्गत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन इससे परिबद्ध आवेश या बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होता है उससे परिबद्ध आवेश कितना है, उसके अंदर जो भी आवेश था वो आवेश क्या था अपने पास, क्यू था, तो मैं लिख सकता हूँ उसके परिबद्ध आवेश के वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के या वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणन के तुल्य होता है, क्या होता है, गुणन के तुल्य होता है, के तो यहाँ पर मुझे ये मेरी आदत पहले से है कि जो भी आपका रिजल्ट निकलता है वो लास्ट में क्या रिजल्ट बता रहा है वो आपको सबको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका लिखा है कि अतः स्पष्ट है कि किसी विद्युत क्षेत्र के लिए, क्यों विद्युत क्षेत्र ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी अपन ने कंसेप्ट काम में लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था जो आर दूरी पर आया था, तो वो क्या आया था, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने लिया था विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ अपन ने जो भी जो डायग्राम लिया वो पूरा का पूरा बंद पृष्ठ में ही लेना है, क्योंकि ये पूरी किसकी बात कर रहा है, बंद पृष्ठ की बात कर रहा है, कि बंद पृष्ठ जो भी अपन ने पी लिया उससे जो निर्गत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, तो वो मुझे पता है फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ गॉस के नियम को, कैसे, मुझे पता है कि ये टर्म क्या बताती है, ये टर्म ये बताती है, तो ये तो हो गया अपने पास, देखो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या है, फाई है, उससे परिबद्ध आवेश क्या है, क्यू है, उसके वन अपन एप्सिलॉन नॉट के गुणन के तुल्य होता है, तो इसको आप टोटल ऐसे भी लिख सकते हो, ये इंटीग्रल होता है, इस फाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, तो जो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बताता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। और गाउस के नियम में एक और चीज़ आपने देखी होगी, क्या इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं अपन, कि यदि मैंने मान लिया कि कोई बंद पृष्ठ है, क्या है आपके पास, कोई बंद पृष्ठ है, जैसे मैंने ये मान लिया कि कोई बंद पृष्ठ है, इसमें क्यू वन था, क्यू टू था, क्यू थ्री था, ऐसे क्या था अपने पास, क्यू एन चार्ज था, उस बंद पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है वो टोटल क्या, ये सारे के सारे परिबद्ध आवेश है, यानी मैं इसका यदि फ्लक्स लिखना चाहूँ तो अब मैं कैसे लिखता हूँ, सिग्मा क्यू ओपन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी आपने पूरा पढ़ रखा है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश का समेशन होता है वो आवेश को ऐड करके वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणन के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये ही आपका क्या था, एक तरीके से गाउस नियम। तो अपना ये वाला जो चैप्टर है अब एंडिंग में आ गया है, इसमें अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, अब इसमें एक और टॉपिक रह रहा है, एक तो स्टॉक कर्ल थ्योरम और एक रह रहा है अपने पास कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये दो टॉपिक रह रहा है जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और ये चैप्टर में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से या कमेंट बॉक्स में लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आंसर जो भी है दे दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट आता है, कोई कुछ भी आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मुझे जो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ के बेस पे यदि गाउस लॉ को मुझे डिड्यूस करना था वो मैं कर चुका हूँ। तो आज के लिए तो इतना ही, कल अपन बात करेंगे नए टॉपिक की जो होगी स्टॉक कर्ल थ्योरम, ठीक है। तो आज अपन ने बात की है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की, कल वाली क्लास में बात करेंगे स्टॉक कर्ल थ्योरम, यानी एक तरीके से इसमें क्या आया अपने पास, डाइवर्जेंस का यूज हुआ है। गाउस डाइवर्जेंस क्यों बोला गया,
किसी भी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है किसके बराबर होता है, उसके डाइवर्जेंस के, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, कल क्या आएगा, मैं कह रहा हूँ स्टॉक कर ले, तो कल आएगा अपने पास कर्ल वाला कंसेप्ट आएगा, आज आया अपने पास डाइवर्जेंस वाला, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस थ्योरम का नाम है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। यदि कल का कंसेप्ट आएगा जिसमें डेल क्रॉस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक कर्ल थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।